राजस्थान में महिलाओं और अनुसूचित जाति के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। आज राजस्थान से बीजेपी के सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी जी की मूर्ति के सामने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी सांसद भी कुछ दिनों से राजस्थान में महिलाओं अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध कर रहे हैं। तो राजस्थान की सरकार जो है पूरी तरीके से निष्फल हुई है कानून व्यवस्था संभालने में, महिलाओं की सुरक्षा करने में, और इस बात को उनके एक मंत्री और एक महिला विधायक ने डंके की चोट कहा है विधानसभा के अंदर। इसलिए राजस्थान में की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। देखिए, राजस्थान सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है महिलाओं पर, वो घटना शर्मसार करने वाली है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद मिलकर के इस मामले को गंभीरता से जनता के सामने उठाने का काम कर रहे हैं। पति के सामने महिला का गैंगरेप होता है और उसका वीडियो वायरल होता है, और उसके बाद जब धरना दिया जाता है तो उसके बाद लोकसभा चुनाव के कारण उसको दबा दिया जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग थाने के बाहर बैठते हैं उसके बाद केस दर्ज होता है। आज नित्य इस प्रकार के घटनाक्रम के कारण शर्म आके सिर राजस्थान की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए कि हम नारी की रक्षा नहीं कर पा रहे। राजस्थान के मुखिया को हम चेतावनी दे रहे हैं, राजस्थान का एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उसको जवाब देने के लिए, कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार है।